लिनक्स व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। इसमें सबसे पहले को क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट में जाना है, ठीक है। इस तरह से आपका बोर्ड आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर पहले टैप कीजिएगा। अगर इसमें आपको और भी पेज ऐड करना है तो ऐड पेज कर सकते हैं यहाँ से भी या फिर यहाँ से भी, ठीक है। ये दोनों यहाँ से पेज ऐड होगा और इस पर टैप करने पर पूरा पेज का डिटेल्स होगा, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए आपको इस पेज का कलर चेंज करना है, आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चूज करना है चूज कर लीजिए, या फिर अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का बैकग्राउंड यहाँ बनाना है बना सकते हैं। बस इस पर क्लिक करना है, ये आपका पेज खुल गया, ये आपका बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब इस पर आपको राइट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक पेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर टैप करेंगे। टैप पे करने के बाद आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे सारा लिखने का ऑप्शन दिया हुआ है। पेन का साइज को बड़ा करना आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, कलर को चूज करना यहाँ से आप चूज कर लीजिए। देन आपको सबसे पहले यहाँ पे इंक का ऑप्शन दिखेगा, आप इंक के थ्रू यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया एस्केप मैंने लिखा, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फाइन टेप, ये सारे अलग अलग पेन के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है फाइन टेप, जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं एस्केप लिख रहा हूँ तो इसका हैंड राइटिंग कुछ इस तरह से होता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है, पढ़ाते वक्त किसी भी एरिया को हाईलाइट करना है और आप चाह रहे वो इरेज हो जाए ऑटोमेटिक, ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा। इससे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको हाईलाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है, एक और हाईलाइटर, और किसी भी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। एक मिनट, इसका कलर चूज कर लो, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे रेनबो का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको कलरफुल राइट करना है तो आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया, के आई एस एच ए एन, जैसे कि जैसे ही आप मतलब अलग अलग लिखोगे ये अलग अलग कलर में राइट होगा। सेम यहाँ पे एनिमेटेड रेनबो का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी राइट करना है तो जैसे कि यहाँ पे ये कलर चेंज करता रहेगा, के आई एस एच ए एन, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये अपना कलर चेंज कर रहा है धीरे धीरे, तो कलरफुल चूज करना आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज और ऐड कर लेते हैं, ये अलग पेज हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ राइट करना है तो राइट करने के लिए आप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, कुछ शेप बनाना है तो यहाँ से शेप बना सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स लिखना है तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हम ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट करना है तो यहाँ पे मैं के लिख के दिखाता हूँ, इस तरह से के मैंने लिखा तो ये के कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे शेप क्रिएट करना है तो यहाँ से मैं शेप क्रिएट करके दिखाता हूँ, ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको मैथमेटिकल टूल्स लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। इरेजर का ऑप्शन यूज करना है तो यहाँ पे इरेजर का सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इरेजर का साइज वगैरह बड़ा करना है तो आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे इरेज होगा ये, ठीक है। हाईलाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ पे कुछ राइट करना है यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, यहाँ पे मानिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सब कुछ चेंजिंग करना है आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, तो आप इस पर कुछ इस तरह से पढ़ा सकते हैं। आपको किसी एरिया को हाईलाइट करना है तो यहाँ से कुछ इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, तो ये सारा इस तरह से काम करता है। आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा लिनक्स व्हाइट बोर्ड के नाम से।